अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज रहे पहले वीडियो देखते बाद में बात करते इस पे। ऐसा कौन से नबी है जो बगैर माँ के पैदा हुए? ऐसे कौन से नबी हैं जो बगैर माँ के पैदा हुए? भजन के बहुत इजी क्वेश्चन आपका। ऐसे कौन से नबी हैं मेरे ज़हन में आ रहा था मुझे पता नहीं। तो भजन ऐसे कौन से नबी हैं जो बगैर माँ के पैदा बगैर आप बताओ। नहीं मैं अभी दूसरा क्वेश्चन करूँ। क्वेश्चन कर दो करो। ऐसे कौन से नबी हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए? भाई माशाल्लाह यार किधर से आए? इंडिया इंडिया से हैं। बड़े क्यूट क्यूट बच्चे हैं और बड़े मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हो माशाल्लाह। बड़े प्यारे लग रहे हैं आपको यार। आपने बड़ा जबरदस्त आप सबको ना मेरी तरफ से ये क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, क्लिप था, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से। दो इंडियन बच्चे थे, बच्चे तो ज्यादा थे लेकिन क्वेश्चन दो बच्चों ने किया कि वो कौन सा नबी है जो बगैर माँ को पैदा हुए। दूसरा बच्चे ने सवाल किया जो वो कौन सा नबी जो बगैर वालिद से पैदा हुआ। तो ये सब मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, उसको भी जवाब आना चाहिए था लेकिन उसको मालूम नहीं। चल तो हम इसका जवाब इस वीडियो में देता है। वो कौन सा नबी है जो बगैर फादर और मदर पैदा हुआ? मैं ये सवाल का जवाब देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में दो किस्म का सवाल आता है, एक बाप का बोला और एक माँ का। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप और बगैर माँ पैदा हुए, ये एक क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा ये दूसरे का भी जवाब यही है लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट और इस्लाम में भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बगैर बाप के पैदा हुए, उसका कोई बाप नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की वलादत फरमाई। तो ये इसका जवाब था। आपने वीडियो टिकटॉक के या यूट्यूब है फेसबुक में शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि जितने भी मुसलमान हैं जिसको पता नहीं है उसको भी इसके बारे में मालूम हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।